नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। 25 वर्ष पूर्व बांग्लादेश से आया विजय मुंबई के नाला सुपारा क्षेत्र की तंग बस्ती में रहता था। एसआईटी ने उसे बाणगंगा क्षेत्र की कालिंदी गोल्ड सिटी में रहने वाले उज्जवल ठाकुर के घर से साथी बबलू के साथ पकड़ा है। वह उज्जवल, बबलू और सैजल की मदद से इंदौर को देह व्यापार का हब बनाना चाहता था। इंदौर से सूरत, राजस्थान, मुंबई और अन्य टूरिस्ट पैलेस पर लड़कियां सप्लाई की चेन तैयार करने के लिए प्रयास में भी था। आईजी हरि नारायण चारी मिश्र के मुताबिक आरोपी विजय कुमार दत्त ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसका मूल नाम कुछ और ही है। अवैध तरीके से भारत में आने के बाद वह मुंबई में ही बस गया था। फर्जी वोटर आईडी और आधार आईडी कार्ड बनवाने के बाद उसने पासपोर्ट बनवाया और पत्नी से मिलने के बहाने बांग्लादेश जाना शुरू कर दिया। तस्कर ने यह भी बताया कि वह बांग्लादेश की सबाना व बख्तियार के माध्यम से गरीब घरों की लड़कियों को नौकरी के बहाने भारत बुलाकर देह व्यापार में धकेल देता था। उसने यह भी बताया कि बांग्लादेश से आने वाली लड़कियों के पहले उसे नाला सुपारा व अन्य जगहों पर छुपाता और खुद शारीरिक संबंध बनाता। विजय करीब 10 युवतियों से शादी कर चुका है, जबकि 100 से अधिक प्रेमिकाएं हैं। उनसे भी देह व्यापार करवा कर कमीशन खुद ही रखता है। आरोपित ने यह भी बताया कि उसने इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, सूरत, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु सहित विभिन्न शहरों के दलालों की चेन बना ली थी। आईजी के मुताबिक सैकड़ों लड़कियों को पुलिस के हिसाब मिल चुके हैं, जिन्हें विजय ने दलालों के माध्यम से विभिन्न शहरों के लिए भेजा है। पुलिस को उसके ऐसे वीडियो भी मिले हैं जिसमें शराब की बोतल लिए लड़कियों के बीच में वो फिल्मी गानों पर नाच रहा है। पुलिस ने 4 युवतियों को भी हिरासत में लिया है, जिनमें से 2 बांग्लादेश की बताई जा रही हैं। वहीं विजयनगर थाना पुलिस ने विजय की तलाश में कई बार छापे मारे, लेकिन तंग बस्ती में होने से पुलिस को हर बार खाली हाथ लौटना पड़ा। इस बार NIA द्वारा जानकारी मांगे जाने पर SP पूर्वी आशुतोष बांगरी ने प्रोबेशनर IPS मोती उर रहमान को जांच का जिम्मा सौंपा और एक टीम मुंबई भेजी। इस बार भी विजय पुलिस के हाथ से फिसल गया, लेकिन वह भाग कर इंदौर आ गया था। SP ने SIT को पीछे लगाया और मोबाइल लोकेशन के आधार पर कालिंदी गोल्ड से उज्जवल के घर पकड़ लिया। TI तहजीब काजी और SI प्रियंका शर्मा ने उज्जवल के घर छापा मारा, कुछ दस्तावेज भी जब्त कर लिए। बरामद एक लड़की इसके पूर्व MIG थाना द्वारा पकड़ी जा चुकी है। आरोपी ने बताया कि सूरत और मुंबई के बाद इंदौर को हब बनाने की कोशिश थी। इंदौर से फ्लाइट, बस और ट्रेन आसानी से मिलने के कारण लड़कियों की सप्लाई भी आसान हो जाती है। इसलिए वह सैजल बबलू और उज्जवल के माध्यम से किराए का मकान लेकर मुख्य अड्डा बनाना चाहता था। विजयनगर थाना पुलिस के मुताबिक पिछले वर्ष अक्टूबर में एक युवती की शिकायत पर आरोपित जीवन, सैलज, प्रमोद बाबा, ज्योति पलक, राहुल बाबा, बाबा यास्मीन आफरीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपित शबाना और बख्तियार ने बांग्लादेश के जोशपुर से धान के खेतों और नालों को पार करवा कर भारतीय सीमा में धकेला और विजय के पास ले आए। शुरुआत में उसे तंग कपड़े पहनने पर मजबूर किया जाता था, उसके बाद देह व्यापार की ओर धकेल दिया गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी बांग्लादेश जाने की जिद पर गोली मारने की धमकी देते थे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज, नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।